हम आपको आज अंडर आर्म्स में टैनिंग होने के बाद इस ब्लैकनेस को हटाने का एक बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम इस तरह का प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं, हेयर रिमूवर वगैरह, जिससे कि केमिकल होने के कारण ये ब्लैकनेस आ जाती है। इसका मतलब है कि हमको इस तरह का प्रोडक्ट सूट नहीं हुआ और अंडर आर्म्स बहुत डार्क शेड में हो जाते हैं, टैनिंग हो जाती है, जो दिखने में बहुत गंदे लगते हैं। तो इसको बहुत इजी वे में हमने रिमूव करने का, हटाने का तरीका आपको बताएंगे। ये देखिए, हमने इसको वैक्सिंग के बाद में ब्लीच हमने तैयार किया है और इसमें हमने थोड़ी सी हल्दी मिक्स की है और हल्दी के साथ में हमने केसर मिक्स किया हुआ है। केसर फेयरनेस के लिए होता है, जो स्किन को फेयर लुक देता है। तो हमने केसर और थोड़ी सी हल्दी हमने मिक्स की और 2 सेकेंड के लिए हमने मिक्स करके रख दिया और फिर हम जहाँ डार्क स्किन हमको दिखाई दे रही है अंडर आर्म्स की, वहाँ हमने अच्छे से अप्लाई किया। और इस ब्लीच को हम 15 मिनट तक लगी रहने देंगे, जिससे कि इसका कार्य अच्छे से हो जाए। और 20 मिनट बाद फिर हम इसको हटाकर वॉश करेंगे। देखिए, 20 मिनट बाद इस तरह से स्किन थोड़ी फेयर दिखने लगी। बहुत ज़्यादा टैनिंग है इनके, बहुत ज़्यादा रिएक्शन अच्छे से हो गया है। तो वो एक बार करने से नहीं जाएगा, कई बार करना होगा, तभी ये फेयरनेस पूरी तरह से आएगी, टैनिंग तभी हट पाएगी। केसर मिक्स करने से इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और कोई डर नहीं रहता है रिएक्शन का भी। ये हमने वॉश किया और वॉश करने के बाद में हमने नैपकिन से पोंछा। पोंछने के बाद में अब हम डिटॉल का जो लोशन है वो लगाएंगे स्किन पर, जिससे कि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो पाए। अंडर आर्म्स बहुत नाजुक जगह होती है। ये देखिए, कॉटन में भी कितना इतना फेयरनेस आने के बाद भी कॉटन गंदी नज़र आ रही है। तो इस प्रकार दोस्तों, हमने ये आपको बहुत ही इजी तरीका बताया है, जो आप घर पर भी कर सकती हैं। हल्दी ब्लीच में थोड़ी सी मिलाएंगे और केसर सबसे ज़्यादा जो काम करती है, केसर को भी मिक्स करेंगे और फिर 15 मिनट बाद हम वॉश करेंगे। और वॉश करने के बाद में डिटॉल से हम लगाएंगे कॉटन के ज़रिए और फिर मॉइस्चराइज़र हमने इस जगह अप्लाई किया है और धीरे धीरे हमारी स्किन अंडर आर्म्स की फेयरनेस लाएगी। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो ये पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। यदि आपने नहीं किया है, लाइक करिए, शेयर करिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए,